अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी उसलीज़े के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आप देख रहे होंगे मेरे जो आसपास का एनवायरनमेंट है, जो पीछे बैकग्राउंड है बड़ा खूबसूरत सा है, पेंटिंग्स हुई हुई हैं। और अमूमन ये पेंटिंग्स कहाँ होती हैं, तो बच्चों के कमरों में होती हैं, वो भी बड़े कम लोगों के घरों में, क्योंकि माना जाता है कि जी ये पेंटिंग्स की वजह से दीवारें ख़राब होती हैं। बट ये कहाँ पे होती हैं, ये होती हैं उन स्कूल्स में जहाँ पर होते हैं बच्चे बहुत प्यारे प्यारे, ताकि उनको थोड़ी उनकी अटेंशन ग्रैब की जा सके और उनका माइंड थोड़ा सा जो है वो डाइवर्ट हो सके। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं मुल्तान के एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, एक ऐसे तालीमी इदारे में जहाँ करेंगे हम स्टूडेंट्स के साथ गपशप, कुछ चिट चैट होगी, फ़नी रिडल्स होंगे, मज़े मज़े के सवाल होंगे, कुछ टंग ट्विस्टर्स भी करवाएंगे। तो मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हूँ। आप? बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आपके? फिज़ा। और आप? ईमान। फिज़ा और ईमान, क्या करते हो आप लोग, किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। और आप? 9th क्लास फेलोज हो? जी। अच्छा अच्छा, सर्दियाँ चली गई हैं या अभी बाकी हैं? अभी बाकी है। बाकी हैं अभी तो। मुझे तो लगता है कि धूप निकलना शुरू हो गई है, अब जो फॉगी वेदर है वो भी कम हो चुका है, तो मेरे ख्याल से मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। जी बिल्कुल, है ना? यस। अभी भी सर्दी लगती है? हाँ जी लगती है। तो लगती है तो आपने कुछ भी नहीं पहना हुआ, ऊपर देखे ना सर्दी लगने का अंदाज़ा ही होता है कि मैंने कोट शोट पहना हुआ है, फुल पैक हो चुकी हूँ। नहीं आज गर्मी थी ना थोड़ी। अच्छा जी, आज गर्मी थी। चलो मुझे बताओ, इस सर्दी के मौसम में आपने, क्योंकि इस दफ़ा जो सर्दियाँ पड़ी हैं वैसी सर्दी कभी भी नहीं पड़ी, ठीक है, जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पे, तो मुझे बताओ इस सर्दी के मौसम को किस तरीके से इंजॉय किया आप लोगों ने? बस सही इंजॉय किया। क्या क्या किया, क्योंकि इस सर्दियों में तो आपको छुट्टियाँ भी बड़ी ज़्यादा मिली हैं। जी ज़्यादा मिली, घर रहे हैं, स्टडी की है, पढ़ाई की है, इंजॉय किया, बस घर ही घर रहे हो, इंजॉय किया। कैसे इंजॉय किया, सवाल ये है कैसे इंजॉय किया। सर्दी इंजॉय, सर्दी में कोई इंजॉय नहीं करते, बस अपने घर ही रहते, स्टडी करते हैं। नहीं ऐसे तो होता है ना कि आप कोई ना कोई एक्टिविटीज़ तो करते होगे ना, कि भाई क्या क्या हमने कज़न्स आए घूमने फिरने गए, या खुद आप अपने ननिहाल चले गए, या कुछ भी ऐसा कुछ भी, खाला के घर गए थे। तो ये कज़न के साथ इंजॉय कैसे किया, आप सवाल ये। कज़न के साथ किले पे गए थे घूमने के लिए। घूमने फिरने गए थे। आप बताइए आपने सर्दियों की छुट्टियां कैसे गुजारी? नानों के घर गुजारी थी। नानों के घर? अच्छा, ऐसे क्यों होता है कि गर्मियों की छुट्टियां या सर्दियों की छुट्टियां हो तो जो बच्चे होते हैं वो नानों के घर ही क्यों जाते हैं? नानों के घर, क्योंकि नानों के घर ज़्यादा मज़ा आता है, फैमिली होती है, फैमिली जॉइंट फैमिली होती है। अच्छा, जॉइंट फैमिली में ज़्यादा मज़ा आता है। जी जी। चलो एक कॉमन सेंस का सवाल करेंगे, जनरल नॉलेज का सवाल करेंगे आपसे, ठीक हो गया, आपने जवाब देना। सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हज़ारों साल भी पड़ी रहे, ठीक है, खाने की ऐसी कौन सी चीज़ है जो हज़ारों साल भी पड़ी रहे लेकिन तब भी उसको कुछ नहीं होता, वो ख़राब नहीं होती ज़रा भी, हज़ारों साल बाद भी हम उसे खा सकते। बताएं जी, बताएं जल्दी से। नहीं मालूम। नहीं पता? नहीं। सोचो तो सही, खाने की ऐसी कौन सी चीज़ है? एक मिनट। जल्दी से। नहीं पता। नहीं आता आप? नहीं यार। नहीं पता जी, क्या पता फिर आपको? कोई टंग ट्विस्टर करवा ले। टंग ट्विस्टर करवा लूँ? अच्छा जी, चलें जी। इन्होंने जब खुद कहा है कि टंग ट्विस्टर कराएं तो इनसे टंग ट्विस्टर करवाते हैं, बड़ा मज़े का। ये जी आप दुपट्टा थोड़ा सा पीछे कर लें, क्योंकि आपके चेहरे को मैं तो देख पा रही हूँ लेकिन काफ़ी लोग नहीं देख पा रहे होंगे, ऐसे ही ठीक है। चलें टंग ट्विस्टर कराते हैं इनसे, जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करेंगी आप 7 दफ़ा, ओके। आप भी, आप बोलेंगी खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़की, खिड़की के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़किया, खिड़की के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़किया, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियों के, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़किया, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़किया, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। आप तो प्रो यार, आपको और कोई टंग ट्विस्टर्स आपको आता है जी? कौन कौन सा? ब्लैक ऊँट की पीठ ऊँची पूछ नीची, पीतल की पतीली में पीता पीला पीला। ऊँट वाला कैसे था? ऊँट की पीठ ऊँची पूछ नीची। नहीं वो तो ये था ना, ऊंचे ऊँट की ये भी है लेकिन नहीं, ये नहीं है ना, वो इनकम्प्लीट है, ये कम्प्लीट है, ऊँचे ऊँट की
पीठ ऊंची कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पीठ ऐसा करके था कुछ, अब आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड्स, मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह से था, लंबा था जी। चलें जी आप बोलें जी, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह से खड़कता है खिड़कियाँ, खड़क सिंह के नहीं होगा, क्या सुनाओगी आप? क्या सुनाओ गाना है, मान गई हो, कौन सा गाना सुनाओ? कौन सा गाना आप सुनाओगी? मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत पे मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशो मुझको तुम, जैसे पैर जमीनों को। बस अच्छा, क्या बनना चाहती हो, हॉबीज क्या है, वैसे करना क्या पसंद है जब फ्री होती हो? मुझे बुक्स वगैरह पढ़ने पसंद, बुक रीडिंग पसंद है। ओके आपको क्या पसंद है जब आप फ्री होती हो? जब फ्री होती हूँ तो मम्मा की हेल्प करती हूँ। मम्मा की हेल्प कैसे करती हो? मम्मा के पाँव में दर्द है ना तो खाना का बना लेती हूँ। अच्छा आप खाना शाना बना लेती हो, वाह जी वाह जबरदस्त। खाने में अच्छा क्या बनाती हो जो सब घर वालों को अच्छा लगे और पसंद आता हो आपके हाथ का, और सब कहे कि नहीं जी ये मम्मा के हाथ का नहीं ये आपके हाथ का खाना? राइस, राइस सिंपल राइस, कौन सा राइस? वो यखनी, यखनी यखनी पुलाव कैसे बनाती हो जरा मेरी रेसिपी बताओ। यखनी पहले हम पानी को उबाल कर, मुझे नहीं बतानी वो जो, क्योंकि मैं अभी बना नहीं सकती ना, जो लोग आपको देख रहे हैं उनको बतानी है। पहले ये यखनी पहले हम कुकर लगाते हैं, फिर पानी करते हैं, फिर उसमें प्याज फिर ऑनियन डालते हैं, फिर उसको 10 मिनट रख देते हैं। 10 मिनट के बाद हम चावल को भिगोते हैं, चावल के भिगोने के बाद हम उसको मसाले काटे, टमाटर काटते हैं, टमाटर काटने के बाद हम टमाटर लहसुन अदरक ग्राइंड करते हैं, उसके बाद हम चावल को उसमें रखते हैं कढ़ाई में, जब तक उबाला नहीं आते जब तक 10-15 मिनट, जब तक चावल पकते नहीं है। फिर जो हम यखनी का 10-15 मिनट रखते हैं ना, तो जो उसके पानी है ना उसमें मिक्स कर देते हैं, उसमें मिक्स कर देते हैं, दम आ जाए तो जी आपका यखनी पुलाव मज़ेदार किस्म का तैयार है। ऐसे ही आपको आता बनाना खाना? नहीं। क्यों? बस अम्मी बना लेती हैं। अम्मी बना लेती हैं, आजकल तो बड़ी नई नई डिशेज़ आई हुई हैं जो अम्मियों को बनानी नहीं आती, तो बच्चे फिर खुद ट्राई करते हैं जी ये भी बना लिया जाए, ये भी बना लिया जाए। नहीं मैं नहीं बनाती, नहीं मैं नहीं बनाती, नहीं बनाती नहीं। चलो ठीक हो गया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़ जी। व्यूअर्स वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आएंगे हम छोटी सी ब्रेक के बाद, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है अपने प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आ गई है आपकी होस्ट वापस, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और आप सोच रहे होंगे कि आज आपकी होस्ट इतनी चेंज क्यों लग रही है, तो उस चेंज की वजह ये कि आज हमने बाल थोड़े से चेंज तरीके से बनाने की कोशिश की है। हमने सोचा है कि गर्मी आ गई है अब थोड़ा सा बालों को बांधना चाहिए, क्योंकि धूप बड़ी शदीद निकलती है, और फिर जब शदीद धूप में आप बाहर जाते हैं तो बाल बड़ा चुभते हैं, बड़ा तंग करते हैं। और मुझे ज़रा आप सबने भी बताना है कि कौन कौन आप लोगों में से वो हैं जो फैशन के शुदाई लोग होते हैं, जो गर्मियाँ हो, सर्दियाँ हो, शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, बालों को कहते हैं जी स्ट्रेट होने चाहिए, खुले होने चाहिए, क्योंकि ट्रेंड में आजकल ऐसे ही बाल होते हैं। तो लेकिन मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं कहती हूँ कि जी बाल फ़ौरन बांध लिए जाएँ, क्योंकि बालों से जितनी उलझन होती है, चाहे आप सफ़र में जा रहे हों बालों को बांध के जाएँ, इट्स अ रिकमेंडेशन, क्योंकि इससे आपके बाल ठीक भी रहते हैं, ये मेरी तरफ से एक टिप भी है। और आपके बाल क्योंकि सर्दियां हैं तो वो ड्राइनेस हो जाती है और आपके बाल फ्रेश नहीं लगते, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि सफ़र में जाएं, कहीं बाहर जाएं तो बाल बांध के जाएं थोड़ा सा, ताकि या स्कार्फ करके जाएं, ताकि जब आप लोकेशन पे पहुँचें जहाँ पे आप तैयार शहर होकर जाना चाहते हैं, बाल बड़े खूबसूरत लगवाना चाहती हैं, तो तब आप अपने बाल खोलें तो उनमें शाइन और वो अच्छी एक फ्रेश सी लुक आती है जी। इसी के साथ मेरी टिप्स यहीं तक हैं, क्योंकि मुझे इतनी ही टिप्स आती हैं, लेकिन मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं? ठीक। आप ठीक हैं जी? क्या नाम है आपका? जैनब। जैनब, और आपका नाम? अफीफा। अफीफा, 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 क्या मतलब है अफीफा आपके नाम का? पाकीज़ा औरत। ओए होए होए, मेरी एक मैडम है मैडम अफीफा, वो भी बड़ी प्यारी और ऐसे ही आपकी तरह मुझे लग रही है कि वो भी ऐसी हैं। अच्छा जी बताएं आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 9। आप भी? यस।
ओके जी, नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, लगते बड़े छोटे छोटे हैं लेकिन आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी नाइन्थ, टेंथ, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ये तमाम चीज़ों में पढ़ रहे होते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि यार आजकल की जनरेशन की हाइट्स मुझे लगता है छोटी रह गई। अब आप कहेंगे कि मैं सब में क्यों नुक्स निकालने पे आ गई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आजकल जितनी भी नई जनरेशन आ रही है उनमें हाइट गैप है, मतलब वो हाइटेड नहीं है ज़्यादा। मतलब हर किसी की अलग अलग होती है, मुझे तो हर, अच्छा आपको सही लगती है। अच्छा जी, आप बताएं, अभी कुछ ब्यूटी टिप्स मैं शेयर कर रही थी अपने ऑडियंस के साथ, आप क्या कहती हैं कि सर्दियों में कोई ऐसी सर्दियों की ब्यूटी टिप हमारे साथ शेयर करें? नथिंग स्पेशल, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप अपनी फिर स्किन केयर कैसे करती हो, मतलब ख्याल कैसे रखती हो अपनी स्किन का, क्योंकि लड़कियाँ बड़ी कॉन्शियस होती हैं ना अपनी स्किन को लेकर। कुछ भी नहीं धोती हो मुँह? अच्छा, मैंने कहा जब कुछ भी नहीं तो मुँह भी नहीं धोती? नहीं नहीं, मुँह धो लो बस। अच्छा, मुँह धो लो बस, लोशन। अच्छा, और आप? यस सर। हाँ ओके, चलो सवाल करते हैं जी आपसे, कॉमन सेंस का आपने जवाब देना है हमें। सवाल ये है कि ऐसी कौन सी खाने की चीज़ है जिसको हज़ारों साल भी आप रख दें? कितने साल? हज़ारों साल। हज़ारों साल भी पड़ी रहे तो वो ख़राब नहीं होती, यानी आप अगर आप उसको हज़ारों साल बाद भी निकाल के खाना चाहेंगे तो उसमें हर्ज कोई नहीं, आप खा सकते हैं। सोचना तो पड़ेगा, पड़ेगा। सोचे सोचे। लिक्विड चीज़ भी हो सकती है वो? हाँ मतलब कुछ भी हो सकता है। दूध? नहीं, दूध तो आप दो दिन बाहर पड़ा रहने तो दूध तो ख़राब हो जाता, फट जाता है। फिर हाँ जी, पता नहीं, पता नहीं, दूध तो जी उन्होंने गलत जवाब दिया है, आप बताएं। समझ नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं। हॉबीज क्या है, क्या करना पसंद है? फ्री होती हो तो क्या करती हो? फ्री होते ही नहीं है। क्यों फ्री नहीं होती? नाइन क्लास है, पढ़ाई 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 पढ़ाई। आज़म का वो कॉल जो है वो आपने पूरा करना है जी, काम काम और बस काम जी बिल्कुल। अच्छा, इसे आपस की बात है कि काम काम और बस काम करते रहे तो इंसान फ्रेश भी रहता है, ओवर थिंक भी नहीं करता और थोड़ा मोटिवेटेड भी रहता है। तो कायदे आज़म का एक कॉल मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन मैं ओवर थिंक करती हूँ। अच्छा जी, सोचता रहता है हर वक्त पढ़ाई के बारे में। ओके, तो ओवर थिंक को फिर ख़त्म करने के लिए क्या करती हो? कुछ भी नहीं सोचती हूँ, सिर्फ उसी का। सोने की कोशिश करती हो? हाँ, नींद तो मुझे बहुत जल्दी बहुत जल्दी आ जाती है। ओवर थिंक से सोल्यूशन मिल जाते हैं इंसान। अच्छा हाँ, सही ये होता है कि ओवर थिंक करने से आपको बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं जी बिल्कुल। लेकिन आपको पता है ओवर थिंकिंग नुकसानदेह भी बहुत होती है, लेकिन काम की चीज़ सोचते हैं ना। हाँ ये भी है। आपकी क्या हॉबीज़ है जी? मैं, मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है। नाइस, ये पेंटिंग कहीं आपने तो नहीं बनाई? नो नो, ये हमारे टीचर्स ने बनाई है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा शायद आपको पेंटिंग का शौक है तो दीवारें पकड़ के रंग दी हैं। नो नो। अच्छा चलो, टंग ट्विस्टर कर आते हैं जल्दी से। जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 7 times और आपने बोलना है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। मुझे समझ ही नहीं आई, आप बताओ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है। वेरी गुड, हो गया, मुझे लगता है अब आपको मेरी जगह पे आ जाना चाहिए क्योंकि आप तो मेरे से भी अच्छा बोलने लग गए हैं। आप नहीं बताएंगी क्या चीज़? चले फिर हमें गाना सुना देंगे, टंग ट्विस्टर नहीं करना। मैं गाने नहीं सुनती। फिर क्या सुनती हैं जी आप? मैं कुछ भी नहीं सुनती। अच्छा, आप सिर्फ पढ़ती हो? कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? कोई भी नहीं। पढ़ती है, कुछ भी नहीं करती, सब्जेक्ट फिर भी कोई फेवरेट नहीं है? ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं स्कूल वाले। अच्छा बेटा, स्कूल में ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है ये बताना ना किसी को। ये मुझे पता है। अच्छा चलो ठीक हो गया, आप क्या सुनाएंगी हमें? मुझे कुछ नहीं है। कुछ नहीं आता? कुछ भी नहीं। जलील करना आता है इसको। ओहो, किसको करना आता है? सबको। हो, वैसे लगती तो बड़ी मासूम है, चलाक तेज। वो क्लास की सीआर तो नहीं? नहीं, सीआर जीआर मॉनिटर जो आजकल बड़े नहीं है। फिर ये क्यों सबको जलील करती? नहीं होता है ना, स्कूल लाइफ होती है, उसमें एंजॉय करना होता है। एंजॉय करना होता है, बेइज्जती कर करती है। आओ जी, सब एक दूसरे के राज फाश आज। चलो अभी बुरी बातें तो आप लोगों ने बताती हैं, अब एक दूसरे की दो दो अच्छी आदतें बताओ। इससे पूछ लें पहले, आप बताओ। ये मतलब कि सबके साथ एक जैसा ही बिहेव रखती है, बहुत अच्छी है, और
सबकी हेल्प करती है। पहले से ही पता था। ये अच्छी है, मतलब सबके साथ किसी से गुस्सा नहीं करती, मतलब कोई बात कहे तो ये चुप करके सुन लेती है, बर्दाश्त करती है, साबिर बच्ची है, ऐसा ही है थोड़ा बहुत। अच्छा चलो मुझे बताओ हमारा कौमी तराना किसने लिखा था? मैंने कहा बड़ा पढ़ती हो ना तो किताबों में तो ये भी अंदरी फीस जलंधरी का पूरा नाम क्या है? इतना भी नहीं। अच्छा इतना भी नहीं, ऑप्शन तो दे रहे हैं। नहीं ऑप्शन क्यों दूं? तो मैंने बता दिया आपको। आपने तो कुछ भी नहीं बताया, उस बेचारी ने बताया। तो वो भी तो मेरी दोस्त है ना। ओ दोस्त है, कितनी अच्छी दोस्त है। अच्छी है। कितनी अच्छी? काफी अच्छी है। बहुत अच्छी। नहीं मेरी एक और दोस्त भी है, वो इससे ज्यादा अच्छी है, वो स्कूल छोड़ के चली गई है। ओहो सो सैड। फिर आपने क्यों नहीं छोड़ा? उसके फैमिली इश्यूज थे थोड़े। ओके उसके फैमिली प्रॉब्लम्स थे तो आपने मनाने की कोशिश नहीं की? मनाया, बहुत मनाया, लेकिन क्या कर सकते हैं फिर हम। क्या कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। मतलब आप कुछ नहीं सुनाना आपने? नहीं। ओके जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बिल्कुल ठीक जी। क्या नाम है? अतीका शब्बीर। अतीका क्या टैलेंट क्या है आप में? कोई टैलेंट नहीं है, मतलब होगा होगा लेकिन अभी पता नहीं है जी। तो डिस्कवर करने की कोशिश की अपने अंदर से जो आपकी क्वालिटीज़ उनको निकालने की। क्रिकेट अच्छा है, स्पोर्ट्स अच्छा खेल लेते हैं। स्पोर्ट्समैन, अच्छा स्पोर्ट्समैन तो ना हुई मैं, क्या हो गया आज मुझे। अच्छा स्पोर्ट्स अच्छा खेल लेती हो, स्पोर्ट्स अच्छी खेल लेती हो। अच्छा स्पोर्ट्स यार क्या इसको हम अच्छा खेल लेती हो कहेंगे या स्पोर्ट्स होता है या होती हैं? स्पोर्ट्स होती हैं आई गेस, राइट जी। ओके चलो सवाल पूछते हैं, मुझे जवाब देना है आपने। ऐसी कौन सी चीज़ है जो खाने वाली, ठीक है, ऐसी कौन सी खाने वाली चीज़ है जो हज़ारों साल भी पड़ी रहे तो उसको कुछ नहीं होता, बिल्कुल ख़राब नहीं होती, आप उसको हज़ारों साल बाद भी खा सकते हो? शहद। शहद वो भी पड़ा रहता है, ठीक ही रहता है, हज़ारों साल बाद भी उसको खा सकते, वो ख़राब तो नहीं होता है ना। चलो देखते हैं आपका जवाब, देखते हैं क्या है, ठीक है या नहीं है। क्या सुनाएंगी आप हमें? शेर सुनाएं। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जहाँ भी जाएंगे रास्ता बना लेंगे। क्या बात है जी। कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगी आप? ज़्यादा से ज़्यादा हमें पढ़ाई की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, खेल भी अच्छा है, खेलें भी और पढ़ाई भी करें साथ साथ, लेकिन पढ़े सही। हाँ पढ़े बिल्कुल। ऑब्वियसली एजुकेशन की इम्पोर्टेंस हमारे कंट्री में, आप कहीं भी आउट ऑफ कंट्री भी चले जाएँ तो एजुकेशन अगर आपके पास है ना, बेशक वो मेल है या फीमेल है, तो आप, मैं कहती हूँ ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी अचीव करना आपके लिए मुश्किल नहीं है जी। बिल्कुल। ओके जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आएंगे हम छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आ गए हैं हम वापस, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स, उनसे बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। बिल्कुल ठीक है। परफेक्ट। आप भी ठीक हैं? जी। नाम बताइए अपने। रुकैया। मैंने कहा तैयब, परेशान ही हो गई कि तैयब नाम कैसे हो गया। तैयब लड़कों का नाम है, आपका नाम रुकैया है, राइट? यस। आप नाम बताएं। अतका। अतका या आतिका? अतका। अतका क्या मतलब है आपका नाम? मुत्तकी परहेजगार। अच्छा मुत्तकी परहेजगार, ठीक हो गया। क्या टैलेंट है आप लोगों में? मोबाइल यूज़ करने का टैलेंट है आप में भी? मोबाइल पे ऐसा क्या करते हो टैलेंटेड काम जो हम कहें कि जी ये टैलेंट है इनका? वीडियो एडिट करते हैं। अच्छा वीडियो एडिट करते हैं, ये एक स्किल है आपकी? और वीडियो रिपीट एडिट करते हैं। नहीं नहीं अब रिपीट नहीं कर रहा ना, जो उसने बोला आप वही बोली जा रही हो। मेरा वही है। है मेरा वही है। क्या है? वीडियो एडिटिंग होती क्या है? वीडियो एडिट करते हैं, पिक्स एडिट करना। पिक्स एडिट करना, वो तो पिक्चर एडिटिंग हो गई। पिक्चर एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग क्या होती है? एडिटिंग बेसिकली होती क्या है? एडिटिंग में करते क्या हैं हम? इसको खूबसूरत बनाना, एडिट करना। एडिट करना, कैसे एडिट करना है? एडिट होता क्या है? एडिटिंग ही नहीं पता।
पता है तो बताओ ना एडिटिंग क्या है। बताना नहीं आ रहा लेकिन पता है। क्या बताना है? चलो अपने अल्फाज में जो भी पता है कि एडिटिंग में आप क्या करती हो वो आप बताओ। किसी चीज़ को बनाना मतलब एडिट करना। बनाना नहीं होता, किसी बनी हुई चीज़ को उसमें चेंजिंग्स करना, ठीक है, उसको कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, उसमें ऐड करना चीज़ों को, ये तमाम चीज़ें एडिटिंग में आती हैं। ओके चलें जी, खाना कौन बनाता है आप लोगों में से? पानी पी सकते हैं खुद से। मतलब अगर आप लोगों पे यकीन किया जाए और आपके पास कोई बंदा आ जाए तो पानी भी पिला पिला के मार दोगे आप लोग? कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे। बोतल पिला पिला मार दोगे? मम्मा बनाएंगी। नहीं लेट सपोज मम्मा नहीं बना रही अभी, ठीक है, सिर्फ आप ही हो घर में और आपको खाना बनाना है, तो आप क्या करोगे फिर? बाहर से ऑर्डर करने का ऑप्शन ही नहीं है, समझो सारे रेस्टोरेंट्स कैफेज सब कुछ बंद हो गया। नूडल्स बना के खिला देंगे। नूडल्स तो मिल ही नहीं रहे, वो फिर भूखा ही बैठा रहेगा। जूस बना देंगे। जूस बना लोगे? जूस किसका बनाओगे? मैंगो ऑरेंज। अच्छा ये हो सकता है, दिस इज गुड ऑप्शन, हेल्दी भी है और आराम से आसानी से बन भी जाएगा। किस किस क्लास में पढ़ते हो? नाइन्थ क्लास में। क्या फ्यूचर प्लान्स है, सोचा क्या है कि क्या करना है यार, क्या बनना है, पढ़ लिख के क्या करना है, इतने जो हम रट्टे मारते हैं बायो फिजिक्स केमिस्ट्री को, क्या करना है? वो बिजनेस करना है अपना। बिजनेस करना है? अच्छा बिजनेस वुमन बनोगी? यस। किस चीज़ का बिजनेस करोगी? आगे जाके देखेंगे किस चीज़ का होगा, अभी तो पढ़ रहे हैं। स्कोप किस चीज़ का होगा लेकिन करना बिजनेस ही है? डिज़ाइनिंग। अच्छा ओके, जो वो बोली जा रही है कान में फूंक उधर से आ रही है, वो इधर माइक तक ट्रांसफर हो रही है। बोला ये मैं कंप्यूटर की नहीं, बायो किया। नहीं नहीं वो उसने बोला है डिजाइनिंग, सुना है मैंने। इसने कुछ और बोला। भाई बहुत ड्रामेबाज बच्चे आजकल के, यकीन हो गया मुझे, मेरी अम्मा कहती होती थी कि आजकल के बच्चे कंप्यूटराइज्ड बच्चे हैं। अब कंप्यूटराइज्ड बच्चे कौन से होते हैं? जो बड़े ही तेज, बड़े ही शातिर, बड़े ही चलाक होते हैं। ऐसा होना चाहिए। आप लोग हैं जी, देखा मानते हैं। क्या सुनाओगे? चलो कंप्यूटराइज बच्चों को तो बड़े टैलेंट्स होते हैं, उनमें गाने भी सुनाते हैं, और आप कौन सा गाना सुनाएंगे? Oh, no. नहीं नहीं अब सॉन्ग तो सुनाना पड़ेगा। नहीं मुझे नहीं, मैं जल्दी से भाई शेर नहीं सुनना, हमने गाना सुनना है, हमने नहीं आता। जल्दी से मैं 1 2 3 बोलूँगी तो आपने 3 के बाद गाना गाना शुरू कर देना। 1 2 अच्छा ठीक है ठीक है। चलो वो कह रही है ठीक है ठीक है, अब आप काउंट डाउन ना करें, घबराहट हो रही है, आपको सुना देते हैं, सुनाओ। ओ भाई जल्दी। अलग है तू, तू है नशा, गुलाम है दिल तेरा, आजा तू मेरी बाहों में। ये क्या था, सांस ही ऊपर नीचे हो गया, दो लाइनें पड़ी हैं। मेरे इश्क हूँ मैं, कर दे दूँ। ऊंची ऊंची जरा, मेरी आवाज इतनी है। इतनी तो नहीं है। चलो आप सुना दो, अपनी दोस्त को थोड़ा सा कवर मारो। इसमें तलब है तू, तू है नशा। पढ़ना नहीं है, पढ़ने और गाने में फर्क है। चलो शेर सुना दो, मेक इट इजियर। न दिल होता, न दिल होता, न दिल दिल पे जुदा होता, न तुम इतने हसीन होते, न दिल तुम पे फिदा होता। ओए होए 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 होए, क्या बात है। अच्छा जी टंग ट्विस्टर कराएंगे हम, जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करोगे आप लोग 7 टाइम्स, और आप लोगों ने बोलना है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। पहले ही करेंगे। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से। वेरी गुड जी, आपकी बारी। अब कैसे हर बात उस पर डाली जा रही थी, अब बताओ। अबू आप खिड़कियाँ खड़कती हैं खड़क, एक दफ़ा रिपीट करें। खड़े उसने, मैंने 2 कर दिया, उसने बेचारी ने खड़ी खड़ी 8 बोल दिया, आप लोगों को अभी भी नहीं सुना। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खिड़कियाँ खड़कती हैं, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ,
चलो रहने दो। ये मुझे बताओ, जो आप लोगों ने बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग्स की हुई है, अभी आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में, कि जो बड़ी प्यारी प्यारी सी खूबसूरत सी आपने चीज़ें बना बना के गैलरी में भी लगाई हुई हैं, जैसे कि अभी आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि इन बच्चों ने बड़ी मेहनत से खुद लगाई हैं, ऐसे ही है? टीचर्स ने, बच्चों ने, सब ने मिल के लगाई हैं, बड़ी अच्छी हैं, बड़ी खूबसूरत हैं। चलें जी, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। आप भी ठीक हैं जी? नाम बताएं अपने। तहरीम। आपका नाम? जहरा अनवर। जहरा और तहरीम, क्या बात है, क्या बात है, मैंने नाम ही बदल दिया, तहरीम। वैसे तहरीम नाम कोई होता है? पता नहीं, तहरीम होता है ना। यस। अच्छा, आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने आपका नाम गलत किया? नहीं। अच्छा, सर्दियों की छुट्टियाँ कैसे इन्जॉय की आप? पढ़ने में। इन्जॉय, मैंने इन्जॉय का पूछा, पढ़ के कौन इन्जॉय करता है? कहीं गई नहीं थी, बस पढ़ घर भी थे तो। अच्छा, कहीं भी नहीं गई थी। आप बताओ जी, आपने सर्दियों की छुट्टियाँ कैसे इन्जॉय की? अच्छी गुजरी थी, नानों के घर गए थे। अच्छा, नानों के घर घूम फिर क्या है जी? अच्छा, नानों ने फिर सही इन्जॉय कराया, मस्ती मौज सही खुल के आशी कजन्स के साथ जी। चलो, सवाल पूछ रही हूँ आप लोगों से, आपने जवाब देना है मुझे। सवाल ये है कि खाने की ऐसी कौन सी चीज़ है जो हज़ारों साल भी पड़ी रहे तो ख़राब नहीं होती है, हज़ारों साल बाद भी उसको खाना चाहे तो खा सकते हैं? शहद। नहीं, यही है। कैसे? शहद है। कैसे, ज़रा एक्सप्लेन करें। वो रखा रहता है, सारा साल ही रखा रहता है। कभी क्या होता है? हाँ, बाबा से भी सुना है कि शहद खराब नहीं होता है। अच्छा जी, ठीक हो गया। क्या सुनाएंगे आप हमें, कोई गाना आता है आपको? आता है जी। सुना दें फिर। शर्माना नहीं है, ऊंची आवाज में सुनाना। थोड़ा सा सुनाऊंगी तुमको। चल चल तू अपनी, मैं तुझे पहचान लूँगी, मैं अपनी महफिलों में सिर्फ तेरा ही नाम लूँगी, क्योंकि तुझे पसंद है धीमा ले जा और बस खामोशियाँ तेरे खातिर अपनी खुद की सत्य थाम लूँगी, या तेरे सारे अरमान मेरे हो सकते हैं, ऐसा है तो तेरे खातिर हम। ये तो आपने गाना पढ़ने लग गई हो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है, पढ़े जा रही हूँ उसको। ऐसा ही है, तंग कर रही हूँ आप लोगों को, ऐसे ही है, तंग करती हूँ तो आप लोग इन्जॉय करते हो फिर। चलो, टंग ट्विस्टर कराते हैं, जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5 दफ़ा। आपने बोलना है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। क्या बोले? समझ नहीं आई। खड़कती हैं खिड़कियाँ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़कती हैं खिड़कियों से खड़कता है। हाय अल्लाह, मेरा दिमाग ज़ाया हो गया इनको टंग ट्विस्टर में डाल ताकि इनको समझ नहीं है। चलो, आसान सा कराते हैं आपसे, ठीक है? कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 15 दफ़ा बोलना है आपने। मैं काउंट करूँगी 15 times। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़। ओके जी, आपकी बारी। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। पापड़ पसंद है आपस की बात? बस थोड़े ना। कितने लोग हैं आप लोगों में से जिनको पता है कि पापड़ क्या होते हैं? एक्चुअली वो हम बचपन में खाते होते थे, 5-5 रुपए के भी पापड़ आते थे, 2 रुपए के भी पापड़ आते होते थे, वो बड़े मज़ेदार होते थे, उनमें बहुत डिलीशियस किस्म के मसाले होते थे। और अभी भी मैं हैरान होती हूँ कि कुछ ऑनलाइन ऐसे स्टोर्स हैं जो अभी भी सेल कर रहे हैं। सही है जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आएंगे हम छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आ गई हैं आपकी उस ड्रापी से, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा। मेरे साथ के स्टूडेंट्स, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दूर दूर नहीं भागना आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ठीक हैं जी? क्या नाम है आपका? शीजा हनीफ राव। शीजा हनीफ राव। शीजा जी। अच्छा, आपका नाम? मीरब इशाल। शीजा, और आपका नाम क्या है? मीरब इशाल। मीरब इशाल, दो नाम एक साथ जी? मम्मा ने रखे थे। मम्मा ने रखे थे। अच्छा, बाल भी आपके बड़े प्यारे लग रहे हैं। हेयर स्टाइल सुबह सुबह उठ के 7-8 बजे स्कूल आना होता है, इतनी हिम्मत होती है कि हेयर स्टाइल्स बनाओ? मम्मा बनाती है ना।
अभी भी मम्मा गर्ल हो के मम्मा उठें, मम्मा लंच बना के दें, मम्मा नाश्ता करवाएं, मम्मा आपके हेयर स्टाइल बनाएं, मम्मा यूनिफॉर्म प्रेस करके दें? दिल करता है मम्मा ही करें। दिल करता है मम्मा ही करें। आप भी ऐसे करती हो? मैं बाल खुद बना लेती हूँ मगर बाकी काम मेरी मम्मा कर देती है। अच्छा चल, मम्मा आपकी है? नहीं, आप इशारे कर रहे हो ना, मेरी ये कर देती, मम्मा मेरी कर देती है। चलो मजाक कर रही हूँ, सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने मुझे जवाब देना है। मुझे बताओ खाने की ऐसी कौन सी चीज़ है जो हज़ारों साल भी पड़ी रहे लेकिन फिर भी वो ख़राब नहीं होती और आप उसको हज़ारों साल बाद भी अगर खाना चाहो तो आप खा सकते हो? गोश्त। गोश्त तो ख़राब हो जाएगा, स्मेल आती है गोश्त से तो। नहीं गोश्त नहीं, यानी कि मुर्गी वगैरह उनको तो वेजिटेबल्स में से नहीं, फ्रूट्स। अब सब कुछ बता दूँ? गंदम भी हजारों साल पड़ी रहे तो उसको भी, वो गंदम में एक वो होती है कोई, आई थिंक कोई इंसेक्ट्स होते हैं वो लग जाते हैं, ऐसे ही है। लेकिन अगर उसको दाने से निकालें तो? नो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? T9। आप भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह क्यों, क्या कोई मतलब के कोई एमफिल कर लिया, PhD कर लिया? नहीं। अच्छा नहीं, मजाक कर रही हूँ, दिल पे नहीं लेनी मेरी बातें हैं? नहीं मैं दिल पे नहीं ले रही। अच्छा चलो अच्छी बात है। क्या सुनाओगी, क्या टैलेंट है आप में? जो पूछ लें। गाना आता है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो सुना दो जी फिर गाना, माइक पकड़ लो और अच्छा सा प्यारा सा अच्छी सी आवाज़ में गाना सुना। इंसल्ट तो नहीं करेंगी मेरी आवाज़ पे? ओहो नहीं नहीं, हम टैलेंट को बड़ा प्रमोट करते हैं, मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ कि आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप बोल रहे हो, आप सुना पा रहे हो। मैं तेरा किंग ओए, लेके आया रिंग ओए, बन जानी आज मेरी क्वीन तू, बराबर पोज ओए, लेके आया पोज रोज ओए, बन जानी आज मेरी क्वीन तू। अरे जा, मैंने याद तो नहीं किया हुआ, लेकिन भूल गई हो। चलो कोई नहीं, आप क्या सुनाओगी? मैं तो सॉन्ग भी सुनती हूँ। अच्छा चलो, टैलेंट क्या है आपको, क्या लगता है आपने? जो पूछे बता, जो कुछ बता दोगी। चलो टंग ट्विस्टर कराते हैं आपसे, जो मैं बोलूँगी इसको रिपीट करोगी 5-5 दफ़ा आप लोग, ठीक है? आपने गौर से सुनना है, आपने बोलना है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खिड़कियों से खड़कने से खड़क, शुरू से बोलें। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खिड़कियों खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है। ओके जी आपकी बारी। खड़क सिंह से, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खड़क सिंह के खिड़कियों से खड़कने से खड़कते हैं खड़क सिंह, खड़कते हैं खड़क सिंह, क्या बात है, खड़क सिंह के खड़कने से फिर। चलो कोई नहीं, ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच। कोई मैसेज शेयर करेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? फोकस ऑन योर स्टडीज बिकॉज पीपल डोंट सी योर हार्ट, पीपल सी योर सक्सेस। अच्छा, पीपल डोंट सी योर हार्ट, पीपल सी योर सक्सेस। आजकल तो वाकई आपका दिल कोई नहीं देखता, आपकी कामयाबी हर कोई देखता। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। बेहतरीन, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। सर नाम बताइएगा अपना। मोहम्मद शाहिर नाम। शाहिर, शाहिर, शाहिर। अच्छा जी, शाहिर का क्या मतलब है? शाहिर मतलब शोहरत वाला। अच्छा हैं आप शोहरत वाले, लगता है स्कूल में तो अपने काफी शोहरत वाले हैं। फिलहाल हैं, स्कूल में ही हैं, स्कूल के हद तक शोहरत वाले हैं। हाँ हाँ। क्यों आपको लोग पसंद करते हैं? बस तो वजह होगी ना, आप देखें अगर मुझे कोई पसंद करेगा तो जाहिर सी बात है मैं बातें बहुत करती हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी इस आदत की वजह से। स्कूल में पसंद इसलिए करते हैं कि ज़्यादातर मैं, यानी कि शुगल मेला लगाते रहते हैं। अच्छा शुगल मेला लगाते रहते हैं, चलें ठीक हो गया। सर आपसे एक सवाल पूछते हैं, आपने जवाब देना, ठीक है? सवाल है कॉमन सेंस का। सर बताइए ऐसी कौन सी खाने की चीज़ है जिसको आप हज़ारों साल भी पड़ा रहने देंगे तो उसको कुछ नहीं होगा, वो ख़राब नहीं होगी, आप उसको हज़ारों साल बाद भी खा सकते हैं? अचार तो नहीं? नहीं नहीं, अचार तो साल दो साल बाद उसके ऊपर फंगस लगना शुरू हो जाती है। नहीं आ रहा जवाब। कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मुझे लगता है मैथ्स पढ़ाते हैं। नहीं नहीं, मैं सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, वैसे
अगर कोई सर छुट्टी पे हो तो फिर जाके पढ़ा, फिर जाके लेक्चर ले लेते हैं। वैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक हो। कितने सालों से? 2 सालों से। सर ये आपने जो घड़ी लगाई हुई बहुत लश्कारे मार रही है, बहुत महंगी लग रही है। ये गिफ्ट आई है। अच्छा, कहाँ से गिफ्ट आई है? ये मेरे फादर को चाइना से गिफ्ट आई थी। क्या बात है, बड़ी एक वो लेगेसी मेंटेन कर रहे हैं। पहले बाबा ने पहनी है, अब आप पहन रहे हैं। नहीं, बाबा को शौक नहीं है पहनने। बाबा को शौक नहीं है। अच्छा, वैसे ये बड़ी एक मैं कहती हूँ बड़ी अच्छी बात होती है, अंदर से खुशी होती है जब आप अपने पेरेंट्स की चीज़ों को पहनते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। कोई मैसेज शेयर करेंगे सर आप? पेरेंट्स की चीज़ें पहनते हैं लेकिन ज़्यादा खुशी तब होती है जब आप पेरेंट्स को खुद देते हैं चीज़। ये बात है। आप बताएं, आपने सबसे पहला गिफ्ट अपने पेरेंट्स को क्या दिया था? मैं तो कुछ भी नहीं दिया अभी तक, बस जो चीज़ उनको ज़रूरत की होती है वो गिफ्ट। आई बिल्कुल ऐसा ही है। हमेशा मैं कहती हूँ कि गिफ्ट आपको किसी को भी दें तो उसकी ज़रूरत की चीज़ दें, ये ना दें कि वो पड़ी पड़ी ज़ाया हो जाए। यस, ओके, थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूवर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप सबने इस प्रोग्राम को। आज के प्रोग्राम में एक सवाल शामिल किया था, इसका जवाब देते चलें आपको। सवाल ये था, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हज़ारों साल भी पड़ी रहे? खाने की वो चीज़ है लेकिन हज़ारों साल पड़ी रहे, उसको कुछ नहीं होता, वो ख़राब नहीं होता, वो है शहद। शहद को आप जितनी देर मर्जी स्टोर कर लें, शहद से स्मेल नहीं आती, ख़राब नहीं होता, कलर थोड़ा सा चेंज होता है लेकिन उसमें कोई मसला नहीं है, वो फ्रेश होता है, आप उसको खा सकते हैं। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए नए सवालों, नई नई बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफ़िज़।